आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई 125 करोड़ की प्राइस मनी जो है ना उन्होंने अनाउंस कर दी है। भाई जय शाह ने ऐसा करते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं कि भाई कितनी बड़ी उनको जो है ना प्राइस मनी मिलने वाली है और इंडिया को फिर से एक दफा मुबारकबाद तो उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब देखते हैं। आज के चलो 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ 80 90 100 नहीं बल्कि 125 करोड़ का इनाम जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम को बीसीसीआई के जरिए मिला। हालांकि 140 करोड़ की आबादी में अगर 125 करोड़ का इनाम दिया गया है तो ये इनाम की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जो खुशी टीम इंडिया ने एक दिन पहले 29 जून को 140 करोड़ देशवासियों को दी थी उसके मुकाबले कोई भी रकम कभी भी भारी नहीं पड़ सकती है। लेकिन हाँ, बीसीसीआई ने एक जरिया दिखाया है, एक कोशिश की है टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों को स्पेशल फील कराने की जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है। ये लम्हा बहुत खास है, खास इस लिहाज से क्योंकि टीम इंडिया जो है इस टूर्नामेंट में 17 साल के बाद चैंपियन बनी है। भारत ने 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे ख़त्म कर दिया है और बारबाडोस के मैदान में इंडिया ने जिस तरह से फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराया वो सारी दुनिया को हैरान कर, सही बात। हारा हुआ मैच लगभग एक समय टीम इंडिया ने पलट कर रख दिया, जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए और इतिहास जो था उसे फिर से दोहरा दिया। वो मौका दिया जिसको याद हम 1983 के तौर पर करते हैं, वो मौका दिया जिसे याद हम 2007 के तौर पर करते हैं, और जब ये खुशी 140 करोड़ लोगों को मिली तो फिर बीसीसीआई ने भी मानो खजाना खोल दिया और 125 करोड़ के इनाम का ऐलान जो है वो फिलहाल कर दिया गया है। टीम इंडिया को 125 करोड़ की कैश प्राइस दी जाएगी और ख़ुद इसका ऐलान जय शाह ने किया। जय शाह ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि T20 वर्ल्ड कप हमने जीता और अब टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। इस टीम में ज़बरदस्त टैलेंट है, ज़बरदस्त समर्पण है, खेल भावना है और इस असाधारण उपलब्धि के लिए तमाम जो खिलाड़ी, जो कोच हैं, जो स्टाफ है उनको मैं शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ। हालांकि टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने पर भी पैसा मिला था, लेकिन वो पैसा 20 करोड़ 36 लाख रुपए था। आईसीसी ने इस ट्रॉफी को ऐलान किया था और ये इंडिया को मिला, लेकिन इनाम उनाम अपनी जगह पर यार, इंडिया का जलवा जो है वो जलाल है और फैंस जो है अभी भी हैंगओवर में है। खिलाड़ियों की आंखों में आंसू दिखाई पड़े, एक्स क्रिकेटर्स लोग जो है वो चौड़े में है। ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीते 24 घंटे हो गए लेकिन ये हैंगओवर उतरे भी 24 घंटे नहीं हुए। रोहित शर्मा ने 2 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, सबसे उम्रदराज कैप्टन जिसने ट्रॉफी जीती, इंडिया वो पहली टीम बन गई जिसने बिना हारे एक भी मैच ट्रॉफी जीत ली। रोहित विराट के नाम सबसे ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल का हिस्सा हो गया। आई मीन रिकॉर्ड जो थे यार वो तो अनलिमिटेड इंडिया ने बना दिया। रोहित सबसे ज़्यादा T20 फाइनल खेलने वाले प्लेयर बन गए दुनिया के, अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। रोहित के नाम 20 इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जीत जो है वो आ गई एक ही मैच के बाद जब जीता इंडिया ने। रोहित 9 बार T20 फाइनल खेल चुके हैं, आई मीन दैट्स इनसेन अगेन, 9 बार T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, माफ कीजिएगा, वो खेल चुके हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया। इसके अलावा विराट ने अनलिमिटेड रिकॉर्ड बना दिए, 4 अलग अलग आईसीसी ट्रॉफी जीत ली उन्होंने, उनके नाम सारी ट्रॉफी आ चुकी है, हर एक ट्रॉफी क्रिकेट की मोटी मोटी आ गई है, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बची है एंड आई एम श्योर इंडिया वो भी बहुत जल्द हासिल कर लेगी। फाइनल में पहली बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, मतलब इंडिया को एक सिनेमैटिक एंडिंग जो चाहिए थी वो इस वर्ल्ड कप में मिल गई और उस सिनेमैटिक एंडिंग का कोई तोड़ नहीं है, मतलब इंडिया अलग लेवल पे चली गई। किसने इमेजिन किया था कि इससे परफेक्ट एंडिंग क्या होगी कि रोहित शर्मा कप्तान हो, विराट कोहली फाइनल मैच में रन बनाए, मैन ऑफ द मैच का खिताब पाए, बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए और जिन जिन को जाना है वो हाई नोट पर चले जाएँ। कोच राहुल द्रविड़ कभी लाइफ में वर्ल्ड कप नहीं जीता, वर्ल्ड कप जीत कर रिटायरमेंट का ऐलान, रोहित शर्मा कैप्टन के तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच लेकर रिटायरमेंट का ऐलान, जड्डू प्रीमियम ऑलराउंडर वर्ल्ड कप जीत कर रिटायरमेंट का ऐलान, सो इट्स अ परफेक्ट एंडिंग। और इस परफेक्ट एंडिंग में हमारी तरफ से शुक्रिया जो कहना था वो शायद जय शाह ने कर दिया 125 करोड़ के नाम पर।
वैसे इनाम तो जयशाह को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जयशाह ने जिस तरह से बीसीसीआई को संभाला और जिस तरह से रोहित शर्मा को बैक किया और ये कहा हैरान के तौर पर कि 29 तारीख को बारबाडोज में इंडिया रोहित शर्मा की अगुवाई में ट्रॉफी उठाएगी, यार लोग कह रहे हैं गुरु एक थैंक यू तो जयशाह का भी बनता है। कमाल कमाल बेमिसाल उन्होंने जो कहा और जो करके दिखाया। तो टीम इंडिया के इस ऐलान पर अब कहते हैं और आपको क्या लगता है कि इस वर्ल्ड कप जीत का लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा, क्योंकि बीसीसीआई डिस्पाइट द फैक्ट कि रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है ट्रॉफी नहीं जीत रहा था, अब ट्रॉफी हमने जीती है, आपको लगता है कि आगे आने वाले सालों में जो सूखा पड़ा था, जो अलग अलग टूर्नामेंट में फाइनल हम हारे थे, अब बैक टू बैक जीत कर उसे पूरा करेंगे? व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो वाकई में यार पूरी अगर टीम का बात की जाए एक एक बंदे से लेकर, तो ये वाकई में अगर रिटायरमेंट का अगर उन्होंने सोचा है तो ये बेस्ट टाइम था, जब सब लोग में आपके साथ हो, जब कोई आपको गालियां ना दे रहा हो, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो और आपने मैन ऑफ द मैच हासिल किया और कोहली ने उसी टाइम पे अपनी जो है रिटायरमेंट मतलब अनाउंस कर दिया और रोहित शर्मा ने भी और जडेजा है उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ हम जब ना वही तो उन्होंने सोचा कि लोगों से गालियां खा के रिटायर होने से बेहतर है एक अच्छे टाइम पे रिटायर हो, कोई याद भी सदियों याद करे कि हाँ भाई एक प्लेयर था जिसने बड़े ही अच्छे टाइम पे रिटायरमेंट ली और उसने उस टाइम पे परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया इंडिया को उस टाइम पे टी20 वर्ल्ड कप जितवाया था, इस टाइम पे उन्होंने जो है ना भाई रिटायरमेंट अपनी हासिल की है और पता नहीं वो कप्तान रोहित शर्मा बोल है कि उन्होंने शायद 9 बार जो है टी20 वर्ल्ड कप खेला है, सबसे ज्यादा ट्रॉफीज भी मतलब उन्होंने देखी है, विराट कोहली का भी ना बहुत ज्यादा दिखा रहे थे कि उन्होंने जितनी भी टेस्ट मैच टी20 वर्ल्ड कप और दूसरे जो वर्ल्ड कप है जितने भी हैं सबकी ट्रॉफीज जो है ना उन्होंने मतलब खेल के जो है वो जीती हुई है, बस वो जो आईपीएल है ना वही उसकी नहीं जीत पाए, वो तो इंडिया में ही लीग होती है लेकिन इंटरनेशनल जो होते हैं ना मैचेस वो सब के सब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, बहुत खुशकिस्मत प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये मतलब सारा का सारा देखा है, वरना कोई भी बोलते हैं कि ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसने इतना सब कुछ देखा हो, तो रोहित शर्मा की एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं मतलब रिटायरमेंट लूँ तो उस टाइम पे मेरे हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होनी चाहिए, तो उनका ये ड्रीम जो है ना वो पूरा एक ख्वाब पूरा हो गया और आज ही मैंने उनकी एक पोस्ट देखी जिसमें वो बोल रहे थे कि मैं मतलब ट्रॉफी जीत के ना इतने आराम से सोया हूँ, नींद इतनी मुझे आराम के लिए कि मैं बयान नहीं अपने लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता, इतनी सुकून की नींद आई है, जो एक ख्वाब बंदे ने बड़ी देर से देखा हो और वो पूरा हो जाए तो फिर नींद तो भाई आनी बनती है, नींद इतनी पुरसकून तो उन्होंने कभी नींद आती है तो भाई ना पता नहीं कितने रातों से हो सकता है वो सोए भी ना हो इसी टेंशन में थे पता नहीं क्या होगा हमें मेहनत करनी है ये करना वो करना है, लेकिन अब चूंकि उनके हाथ में आ चुके ऊपर से रिटायरमेंट भी ले लिया तो अब उनके आराम के दिन अब वो आराम ही करेंगे, तो उनकी वाइफ हमें वो दोनों मिलकर ना रोने लग पड़े जब उन्होंने ये ट्रॉफी हासिल की, नहीं अनुष्का नहीं, अनुष्का तो शायद अपने घर पे थी तो वो वीडियो कॉल पे इसी टाइम बात कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा की जो वाइफ है ना उनके साथ गले लग के बड़ा इमोशनल होकर रो रहे थे दोनों, तो ये मोमेंट्स हैं भाई मोमेंट्स हैं, इनको अभी तक इंडियन बोल नहीं पा रहे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और 125 करोड़ कोई थोड़ी बहुत रकम नहीं होती अभी, इतने ज़्यादा पैसे जो है ना उनको दिए जाने हैं तो वाकई में वो डिजर्व करते हैं भाई, हर प्लेयर को 10-10 करोड़ तो आएगा ही उनके हाथ में, पाकिस्तानी 35 करोड़ रुपया बन जाता है पाकिस्तानियों को मिलता है, पाकिस्तानी तो उनको तो हमेशा मिलता रहना है, हाँ मिलते ही रहेंगे भाई, बहुत अच्छा लगा दिखाएंगे, हाँ भाई आराम से बैठ बनता भी इतनी मेहनत की हो तो फिर भाई इंसान का बनता है, वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलते हैं एक और वीडियो, थैंक यू।